एक बार सरकार का मंत्री बनने के बाद उस इंसान से मिलना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन बुंदेलखंड का एक सांसद ऐसा भी है जिसे कोई भी मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि वह कहीं पर भी लोगों को विचरण करते मिल जाते हैं। टीकमगढ़ में ऐसी सादगी और कहाँ देखने को मिलेगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र खटिक की, जो अपनी सादगी के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं। अपने सरल स्वभाव और मृदु भाषा के चलते लोगों की मदद को वह हमेशा तैयार रहते हैं। डॉक्टर बीरेंद्र खटिक को पिछड़ों का गांधी भी कहा जाता है। आए रोज ये पैदल निकल कर वॉक करते हैं। कभी कभी तो ये थैला उठाकर सब्जी लेने अकेले ही निकल जाते हैं, तो कभी बाइक पर सवार होकर चले आना इनकी आदत में शुमार है। दीपावली के अवसर पर पत्नी के साथ भी ये पैदल दीपावली की खरीदारी करते नजर आए, लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और राह चलते जो भी उनसे मिला उनसे बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना और दीपावली की शुभकामनाएं दी। लोगों का कहना है कि उनके स्वभाव से कभी लगता ही नहीं कि वह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दीपावली का पावन पर्व है और पूरे वर्ष भर लोग इंतजार करते हैं। जहां घरों की साफ सफाई होती है, पुताई होती है, वहीं दीपावली में माँ लक्ष्मी जी के पूजन के पहले लोग अपने घर की आवश्यकता के सामान की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है लोकल फॉर वोकल, हम त्यौहार की खुशियां भी बनाएं और अपने प्रदेश में, अपने जिले में, अपने गांव में बनने वाले सामग्री को खरीद करके उन सामानों को बनाने वाले जो छोटे परिवार हैं उनके परिवारों की भी दीपावली की खुशियाँ बढ़ाने के लिए जब हम ऐसे छोटे छोटे लोगों के पास में जाकर कोई थोड़े से दीपक रख के बैठा है, कोई चार मूर्तियां रख के बैठा है, कोई 10 डबुलियां रख के बैठा है, ऐसे लोगों के पास जाकर उनसे जब खरीदारी करते हैं और जब कोई विशिष्ट व्यक्ति उनके बीच में पहुंचते हैं तो उनकी खुशियां हमने देखा कि कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैं जब वहाँ पर गया दीपक खरीदने के लिए, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा खरीदने के लिए और भी अन्य सामान खरीदने के लिए, हवन सामग्री की बेदी खरीदने के लिए, तो कई बार तो संकोच में लोग पैसे ही नहीं बताते हैं। तो हम कहते नहीं, आपने इसमें परिश्रम किया, मेहनत किया है, तो हमें अपने दीपावली के पर्व को भी मनाना चाहिए, अपने साथ इन खुशियों में उन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहकर परिश्रम करके मेहनत करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जा करके खरीदारी करके आइए हम सब इस संकल्प शक्ति के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में कि दीपावली का पर्व हमें दीपक वहाँ पर भी जलाना है जहाँ पर अभी अंधेरा है। एक दीपक अपनी रोशनी से चारों ओर रोशनी को अलौकिक करता है। इसी तरह से समाज के बीच में जाकर हम सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्तियों के बीच में जाकर। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।